हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं पीवाईक्यू ऑफ द टॉपिक मैट्रिसेस। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जेई 2021 में ये पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक मैट्रिसेस। पी मैट्रिक्स मुझे गिवन है, थ्री एंट्रीज आर 3 माइनस 1 माइनस 2 2 0 अल्फा एंड थर्ड रो इज 3 माइनस 5 0। Where alpha belongs to R, suppose Q is a matrix such that PQ equal to KI. ये equation important है, given is PQ equal to KI. This is the given matrix equation, K belongs to R, K is not equal to 0. I है identity matrix जिसका order 3 है. So this is also important, यानी P और Q की भी order 3 ही होगी. Q 2, 3 ये Q matrix का मुझे element given है. This is the matrix Q whose एलिमेंट इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इज माइनस के बाय क्यू का डिटर्मिनेंट भी दिया है के स्क्वायर बाय टू एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करने का देखते हैं सॉल्यूशन। सो गिवन मैट्रिक्स पी इज 3 माइनस 1 माइनस 2, फर्स्ट रो सेकंड रो इज 2 0 अल्फा एंड थर्ड रो इज 3 माइनस 5 0। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स पी। अब मुझे क्यू मैट्रिक्स गिवन है, तो उसका एलिमेंट गिवन है, तो मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा। पी क्यू इक्वल टू के आई, क्यू मैट्रिक्स का एलिमेंट मुझे गिवन है, तो मुझे क्यू मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो क्यू विल बी इक्वल टू पी को शिफ्ट करते हैं, पी इनवर्स इंटू के आई होगा। नाउ दिस पी इनवर्स इंटू आई विल बी इक्वल टू पी इनवर्स, सो क्यू विल बी इक्वल टू के इंटू पी इनवर्स। Q matrix will be equal to K into P inverse. P inverse है तो P inverse को मैं लिख सकता हूँ, A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A, so it is 1 upon determinant of A into adjoint of P. तो मुझे determinant भी लगेगा P का, तो I will find the value of determinant of P, so it is 3 into 0 minus minus plus 5 alpha minus minus plus 1 into 0 माइनस 3 अल्फा माइनस 2 इंटू इट इज 0 माइनस 10। ओके, सो 15 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 20, सो पी का डिटर्मिनेंट मुझे मिला है 12 अल्फा प्लस 20। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, के अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज 12 अल्फा प्लस 20 इंटू एडजॉइंट ऑफ पी। अब पूरे एलिमेंट्स पी के एडजॉइंट के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे क्यू मैट्रिक्स का एक एलिमेंट गिवन है। सो आई हैव दिस मैट्रिक्स क्यू हुज एलिमेंट इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इज गिवन। तो देखिए इस तरह से कुछ ये मैट्रिक्स क्यू होगा, इसका ये एलिमेंट गिवन है जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है, माइनस के बाइट सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। अब वही एलिमेंट मुझे इस क्यू मैट्रिक्स में भी लिखने का है, विच इज द एडजॉइंट ऑफ पी लिखने का है, तो ये मैं ब्लैंक छोड़ा हूँ। तो ये एलिमेंट कहाँ से मिलेगा? सो देखिए पी मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ पी में ये होगा माइनस फाइव का कोफैक्टर, ये जो एलिमेंट होगा दैट विल बी द कोफैक्टर ऑफ माइनस फाइव। तो देखिए ये होगा 3 अल्फा प्लस 4, लेकिन उसे माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट इज माइनस 3 अल्फा माइनस 4। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, दिस इज मैट्रिक्स क्यू, दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स क्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो इक्वल होने चाहिए। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो ये दोनों क्यू मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। माइनस के बाय एट विल बी इक्वल टू के इंटू इस एलिमेंट को इस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, के अपॉन 12 अल्फा प्लस 20 इंटू माइनस 3 अल्फा माइनस 4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, के गेट कैंसल, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 8 विल बी इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 4। तो यहाँ से मैं ठीक है, 4 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम हियर, सो टेकिंग 4 कॉमन इट इज 3 अल्फा प्लस 5, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 8, सो इट इज 6 माइनस 3, 3 अल्फा इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस 3, अल्फा मुझे मिल गया है, अल्फा इज व्हाट, माइनस 1। सो देखिए मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने का है के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा तो मुझे मिल गया है, अब क्यू मुझे फाइंड आउट करने का है, तो इसके लिए मैं डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू का यूज करूंगा। क्यू का डिटर्मिनेंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है एंड विच इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय टू, लेकिन क्यू ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ पी इनवर्स लिखा है, सो क्यू इज इक्वल टू के इंटू पी इनवर्स। तो यहाँ पे मैं क्यू को लिखूंगा के इंटू
पी इनवर्स के इंटू पी इनवर्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू पी इनवर्स इज के स्क्वायर बाय टू। अब के होगा के रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स। सो एन एन इज ऑर्डर, ऑर्डर तो ऑलरेडी थ्री है, तो यहाँ पे मैं एन इक्वल टू थ्री ले लेता हूँ, इक्वल टू के स्क्वायर बाय टू। तो इनवर्स पी इनवर्स होगा वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी इक्वल टू के स्क्वायर बाय टू। यहाँ पे इनवर्स के रूल्स आपको ध्यान में रखने के। सो के क्यूब अपॉन पी का डिटर्मिनेंट देखिए, दिस इज ऑलरेडी 12α+20 इक्वल टू के स्क्वायर बाय टू। बस इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके के वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे के स्क्वायर कट होगा, के एक के कट होगा, सो इट विल बी 2k इक्वल टू 12α+20। अल्फा मुझे पता है -1, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ये होगा -12+20, 2k विल बी इक्वल टू 8 एंड k विल बी इक्वल टू 4। तो इस तरह से मुझे के भी मिल गया है, एंड के स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर, दैट इज 16, अल्फा स्क्वायर -1 स्क्वायर इज 1, 17 इज द आंसर। इस न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, इसका आंसर होगा 17। ओके बाय।